हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग समझते होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी समझते हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। और टाइम पता कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 2:45। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और आने बैठ गई यहाँ पे अपने अपना काम करने, किले से खेलने, और मेरे पे ना हो रहे हैं फुंसियाँ निकल रही है गर्मी के कारण, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, एकदम चिप 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 हो रखा है। फ़ैन चला के भी पता नहीं चल रहा कि हमने फ़ैन चलाया है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, उमस। और परसों बारिश थी तो परसों इतना ठंडा हो गया था मौसम कि फ़ैन चलाने की इच्छा नहीं हो रही थी। कल नहीं यार, परसों जिस दिन बारिश हुई थी लास्ट दिन, उस दिन बहुत ठंडा था, लेकिन अभी ना उमस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ऑटम आ गया। ऑटम ही बोलते क्या उसको? और यहाँ पे ना अन्य अपने डॉल के बाल वाल बना रही, उसके लिए कपड़े उपड़े बना रही है। तो यहाँ पे ले आई हूँ मैं मलाई, और अब मैं बनाने वाली हूँ मलाई का घी, और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं खीर। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ में। ये वाइट वाला पहले अपनी चाल चलता है ना। वाव, आन्या ने ना डॉल को कितने सुंदर कपड़े पहना रखे हैं किले से। हाँ, कर रही हूँ। दिख नहीं रही डॉल, सही से देख। देखो, पिंक सलवार, ब्राउन कलर का टॉप, बेल्ट ऑरेंज कलर की बेल्ट, येलो कलर का नेकलेस, और ये बाल भी आने ने बनाए हैं, और उसको रबर बैंड लगाया है। ये बहुत सुंदर बनाया है आपने। कितनी सुंदर लग रही है। प्रोटेक्शन डाल दिया अनु, बस प्रोटेक्शन है इन दोनों की। बाबू आप पढ़ाई करोगे रे? चल, टॉप ऐसे बनाती है उसको भी, क्रॉप टॉप। मैंने जो बोला था कि मेरे पास प्रोटेक्शन है, दो सफाई ना तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, बता दो कन्हैया को नमस्ते सुदामा। टाइम भी 4 बज गया है, और मैंने यहाँ पे ना खीर चढ़ा रखी है। अभी मैंने घी नहीं बनाया, घी बनाऊंगी मैं एंड में, पहले खीर बना लेती हूँ। टाइम लगता है खीर में बहुत ज़्यादा, और गर्मी हो रही है। अभी आरमानी ने पढ़ाई शुरू नहीं की, वो खेल रहे हैं अभी चेस पे, तो मैंने कहा मैं किचन में जाती हूँ, पहले अपने काम निपटाती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने गैस में घी बनाने रखा है, और गैस मेरी कितने काले कर रही है, देखो बर्तन, पता नहीं क्या है इसमें। ये ना पहले वो था मेरा मैसाणा में पाइपलाइन था, तो उन्होंने इसकी पिन चेंज की थी, और उसी पिन की वजह से ना ये ऐसे हो रहा है। पाइपलाइन में ना क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल गैस होती है ना, ये नहीं चलती, इस पर एक पिन लगानी पड़ती है, तो उन्होंने वो लगाया, उससे पता नहीं क्या हुआ इसको, पूरे बर्तन काले कर देती है। दूसरे ग्राउंड में देखा आपने? उधर से कोई आ रहा है। आंटी तो बोली थी कि ग्राउंड में पहुंच गए होंगे। चलो तब तक यहीं पे वॉक कर लो। फोन करो आंटी को। हाँ, क्या बोलते हो आरव? मैं वो ग्राउंड जाके देखता हूँ, रोड देख के क्रॉस करना। ठीक है ठीक है ठीक है। आनो ठीक है। ये भी गेट ऐसे ही खोलते हैं, देखो साइकिल से नीचे नहीं उतरेंगे। और अच्छा, अभी पापा आए ही नहीं। चलो चलो,
देखो आ गए रावत जी भी। आइए आपका इंतजार है। मुझे लगा आप आ गए होंगे घर पे। हमारा तो ये रहता है कि बैठे 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 टाइम का पता ही ना चले। बहुत वो भी कच्चे ऐसे पकते थोड़ी ना कुछ खराब थे। आजा अगले दिन तोड़ने बाकी स्कूटी वाले पीटेंगे तुझे। चलो चलो अब जल्दी ऊपर चलो, हमने अभी वहाँ जाना है स्मार्ट बाजार, प्याज लेके आएंगे। अब तेरे को ले जाइए कौन रहा है, अपनी पढ़ाई पे बैठो दोनों। दोस्तों हम लोग ना ग्राउंड से आ गए हैं घर पे, और मैंने ना शाम को वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग चले गए थे ग्राउंड में, भूल जाती हूँ मैं वीडियो बनाना। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, बच्चे कर रहे हैं पूजा, उसके बाद स्मार्ट बाज़ार जाऊँगी, मुझे लाने हैं प्याज। वहाँ पे देखती हूँ कि कैसे मिल रहे हैं प्याज। आप लोग बने रहना हमारे साथ में, मैं पहले खाना बना देती हूँ, है ना। टमाटर 135 रुपये किलो। माय गॉड। तो दोस्तों हम लोग ना आ गए हैं वहाँ से स्मार्ट बाज़ार से। वहाँ पे सब्ज़ी इतनी कुछ मिली नहीं, खास नहीं थी, तो वहाँ से ना मैं गई थी वहाँ पे प्याज के लिए, क्योंकि जब मैं प्याज लेके आई थी वहाँ से तो उस समय ना वहाँ पे जब मैं घर गई थी उस समय तो 13 रुपये किलो प्याज थे, तो मैं 10 किलो लेके आई थी, तो फिनिश हो गए हैं। तो मैं दोबारा गई थी, मैंने कहा ऐसे ही कुछ मिलेंगे, तो अभी वहाँ पर प्याज है 30 रुपये किलो, तो मैं 1 ही किलो लेके आई। मैंने कहा जब 30 ही रुपये किलो रहेंगे तो बाद में ले लेंगे, है ना। और उसके बाद टमाटर थे वहाँ पे 135 रुपये किलो। तो क्या नाम है, फिर मैं वहाँ सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो मैं इधर आई, फिर जो हमारे घर के सामने जो गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ से भैया से लेके आई सब्ज़ी। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कटहल है, और कटहल ना हमने सालों से नहीं खाया, तो रावत जी ने बोला कल आरब के बर्थडे पर ना कटहल की सब्ज़ी बनाई जाए। लेकिन मैं नहीं खाऊँगा। हे बड़े बॉय। तो ना अभी मैंने कहा कि 1 किलो बहुत है, तो राव जी ने बोला नहीं नहीं हमारे लिए 2 किलो। तो 2 किलो कटहल उन्होंने बोला कि कल सुबह पहुंचा देंगे, तो कल बनेगी कटहल की सब्ज़ी अरब के बर्थडे पे। और क्या नाम है, मैंने आने के लिए ले रखा था मेहंदी का कोन, और आने ना सो गई, उसने बोला था कि मेरे पापा मेरे पे मेहंदी लगाएंगे। तो उसके पापा का अच्छा खासा चल रहा है आज, कभी फेसियल का, कभी मेहंदी, बालों पे मेहंदी लगाना, कभी हाथों पे, तो आज की बोनी रह गई उसके पापा की। है ना, आन्या अभी उठी रहती तो आन्या के हाथों पे मेहंदी लग जाती, तो बोनी बन जाती उसके पापा की, है ना, बोनी हो जाती। तो वो सो गई है, तो अब आरव कर रहा है अभी पढ़ाई। और आज का ब्लॉग ना मैं पहले भी भूल जाती थी, और जब से गाँव गई तो गाँव में ना ब्लॉग बनाना ही छोड़ दिया था, तो मैं ना ऐसा लग रहा है कि अपने पास कुछ काम ही नहीं है, तो भूल जा रही हूँ बार बार ब्लॉग बनाना। जब काम कर दे रही हूँ तब जाके मुझे याद आ रहा है कि अरे मैंने तो ब्लॉग बनाना था। तो चलो कोई नहीं, आज के ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं। एंड उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।